Hello people, again I am in front of you with a new video lecture, and this video is related to Graham Greene. As earlier I have discussed two novels of Graham Greene, and that is The Heart of the Matter and End of the Affair. And this is my third video in which I will again discuss the novel The Brighton Rock. This novel was published in 1938. If you are going to prepare for any exams, whether it is PhD, SET exam or UGC NET English Literature, this video will help you a lot in the preparation, because nowadays I am going to cover all these topics which may be asked for the upcoming exam. So before starting the video, I would like to say you that till now, if you did not subscribe my channel, please like and subscribe my channel and share your friends who are going to prepare for UGC NET English Literature, because I am sure this video will help you a lot. So आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है चार्ल्स फ्रेड हैल की और पिंकी ब्राउन की. पिंकी ब्राउन जो कि एक गैंग का लीडर होता है और यहाँ पे एंटागोनिस्ट भी होता है, एक एंटी हीरो होता है. जब नॉवेल स्टार्ट होती है तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है चार्ल्स फ्रेड हैल जो कि एक डेली मैसेंजर न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट होता है. वो यहाँ पे आया है ब्राइटन रॉक और वहाँ पे वो कुछ कार्ड्स और प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इनके न्यूज़पेपर ने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया था और वो कार्ड्स जिसको भी मिलेगा या जिस मैन से इस मैन से जो भी मिलेगा उसको प्राइज मिलेगा. अब जब ये यहाँ पे चार्ल्स फ्रेड हेल आता है तो यहाँ पे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसको ये डर होता है कि कहीं मॉब मेरा क्या कर दे, मर्डर ना कर दे. मॉब का मतलब है यहाँ पर एक गैंग, उस गैंग का लीडर होता है पिंकी ब्राउन और उसमें क्यूबिट, डायलो एंड स्पाइसर. अब इस गैंग से चार्ल्स हेल को क्या डर है, किस वजह से डर है? इसको इस वजह से डर है कि सबसे पहले इस गैंग का जो लीडर था वो था काइट. वो था यहाँ पे काइट. काइट जो कि पहले इस गैंग का लीडर था, उसके लिए चार्ल्स फ्रेड ने हेल ने क्या किया था, एक आर्टिकल्स लिखा था, जिस आर्टिकल्स में फिर काइट की डेथ के बारे में उसने बताया था और भी चीजें उसने काइट के अगेंस्ट जाके लिखी थी. अब काइट की डेथ के बाद इस मॉब को, इस गैंग का जो लीडर बन गया था वो पिंकी ब्राउन बन गया था और ये सब लोग ब्राइटन में भी रहते थे. इस वजह से यहाँ पे हेल को डर होता है कि कहीं मेरे आने के बाद ये मॉब, ये गैंग कहीं मुझे मार ना दे. तो वो सोचता है मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए. तो इस सपोर्ट के लिए वो क्या करता है, इडा अर्नर्ड. इडा अर्नर्ड एक लड़की होती है, बहुत ही काइंड हार्टेड वुमेन होती है. वो इसका सहारा लेता है, इसकी हेल्प लेता है ताकि वो इस मॉब से बच सके. लेकिन बाद में क्या करता है, जो पिंकी होती, पिंकी जो होता है वो चार्ल्स फ्रेड हेल को मार देता है, इसका मर्डर कर देता है, क्योंकि वो तो पहले से चढ़ा हुआ बैठा था. अब इसके मर्डर करने के बाद न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आती है, लेकिन उस पेपर में जो न्यूज़ आती है वो ये नहीं आती है कि हेल का मर्डर किया गया है, उसमें ये आती है कि इसकी नेचुरल कॉज की वजह से, मतलब हार्ट अटैक की वजह से हेल की डेथ हो गई है. ये बात इडा को थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती है. वो सोचती नहीं, समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग बिहाइंड दिस मैटर. वो इस चीज का पता करना चाहती है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है कि एग्जैक्टली ये बात सही है कि नहीं है, क्या नेचुरल कॉज की वजह से ही डेथ हुई है हेल की, या इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है. अब यहाँ पे जो इडा अर्नर्ड है वो अपने फ्रेंड फिल कॉर्की से इस बात का वो कर रही है, डिस्क्रिप्शन दे रही है कि मुझे इस केस का पता लगाना है. याद रखिए फिल कॉर्की यहाँ पे इडा का फ्रेंड होता है. अब जब न्यूज़पेपर में न्यूज आ जाती है तो पिंकी को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मैटर के बारे में किसी को कुछ पता हो, क्योंकि वो सारे एविडेंस मिटाना चाहता था जिससे किसी को भी ये पता नहीं चल सके कि हेल ने ब्राइटन में विजिट भी किया था और इस वजह से इस इवेंट को कुछ
कुछ ऐसी घटनाओं को मिटाने के लिए वो नए फ्रेश फ्रेश क्राइम करने लगता है और यहाँ पे उसकी क्राइम की सीरीज बन जाती है। अब यहाँ पे पिंकी को ये पता चलता है कि जब हेल यहाँ पे आया था तो वो जिस रेस्टोरेंट में रुका था कार्ड रखने के लिए, स्नोज रेस्टोरेंट में स्पाइसर भी गया था। स्पाइसर कौन? जो इसके ही ग्रुप का मेंबर होता है, स्पाइसर भी गया था। तो हो सकता है वहां की जो वेट्रेस हो वो क्या करे कि स्पाइसर को पहचान जाए, और स्पाइसर तो मेरे ही गैंग का है तो लोगों को डाउट हो जाए। तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा स्नोज रेस्टोरेंट और वहां की वेट्रेस से मिलूंगा जाके। अब वो वहां पे जाता है तो उसको उस स्नोज रेस्टोरेंट की वेट्रेस मिलती है जिसका नाम होता है रोज। ये जाके रोज से मिलता है और रोज को क्या करना है, सिड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर सोचता है कि अगर मैं इससे मैरिज कर लूं तो जब ये मेरी वाइफ बन जाएगी तो कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ना ऐसा नहीं करेगी कि उसका कोई इन्वेस्टिगेशन करे, उसको टेस्टिफाई नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये रोज के साथ डेटिंग करना स्टार्ट कर देता है, उसको अच्छी अच्छी जगह लेके जाता है, उसको कन्वेंस करता है। और इसके पीछे रीजन ये नहीं था कि ये पिंकी इसको रोज को प्यार करता था, इसके पीछे रीजन ये था कि कहीं रोज सारी चीजें बता ना दे कि हेल और स्पाइसर का किसी तरीके से मेरे रेस्टोरेंट में कम्युनिकेशन हुआ था। इस चीज के लिए वो क्या करता है, रोज को कन्वेंस करता है, उसको अपने साथ बिजी रखता है। अब उसके बाद वो क्या करता है, एक दिन जाता है ब्रिवर से मिलने। ब्रिवर यहाँ पे ये ब्रिवर वो कैरेक्टर होता है जो कि इस ज्ञान को, पिंकी के ज्ञान को प्रोटेक्टिंग मनी देता है। लेकिन बहुत देर से इसने क्या किया, प्रोटेक्टिंग मनी नहीं दी है तो ये जाके उससे मिलता है। तो ब्रिवर ये बताता है कि अब मैं वो प्रोटेक्टिंग मनी को मैं किसको दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा कोलोइनी को, जो कि इसका पिंकी के ज्ञान का राइवल होता है क्योंकि इसका अलग ग्रुप है और पिंकी का अलग ग्रुप होता है। इस बात से ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये पिंकी जाता है यहाँ पे मिलने कलोनी से मिलने जाता है। तो कलोनी इसको ये ऑफर देता है कि तुम अपना ज्ञान छोड़कर और उस ग्रुप को तुम मेरे साथ शामिल कर लो, तुम मेरे खिलाफ लड़ाई मत करो। इस चीज से ये पिंकी क्या कर देता है, यहाँ पे मना कर देता है। और जब वो कलोनी से मिलकर नीचे आ रहा होता है तो उसको पुलिस मैन मिलता है एक इन्वेस्टिगेटर के साथ, और वो पुलिस मैन इसे इन्वेस्टिगेट करता है कि तुमने ब्रिवर को तुमने किस तरीके से डराया धमकाया है, तुमने उसके फेस में स्लैशेस क्यों बना दिए। और उस चक्कर में इसको क्या होता है, इसका अरेस्ट हो जाता है। लेकिन वो अरेस्ट भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है और ये छूट जाता है इसको वार्निंग के साथ कि तुम्हें दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब ये छूट जाता है। अब जो एडा होती है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, तो वो क्या करती है, रोज से जाके मिलती है। उसको ऐसा लगता है कि इसका हेल का कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ही, ये किसी से तो मिला होगा। तो उसको क्लू मिलता है रोज का, ये रोज से जाके मिलती है लेकिन रोज पिंकी के लिए या उस केस के लिए कुछ भी डिस्क्लोज करने के लिए मना कर देती है, बोलती है कि मैं उस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो यहाँ पे इडा उसको बहुत प्रेशर डालती है कि नहीं तुम मुझे कुछ ना कुछ तो बता दो, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरीके से मना कर देती है रोज कि मैं इस मैटर में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि वो ऑलरेडी पिंकी के साथ थी, उसका एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। अब यहाँ पे जो पिंकी है, पिंकी क्या करती, इसके मेंबर्स इसको इन्फॉर्म करते हैं, इसके मेंबर्स में क्यूबिट, डैलो और स्पाइसर कि रोज क्या कर रही है, रोज किसी वुमेन से बात कर रही है। तो ये इससे मिलने के लिए जाता है, उसके पहले ये स्पाइसर से मिलता है। तो स्पाइसर उसको ये बताता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक रेस करेंगे और उस रेस में एक हॉर्स रेस करेंगे, और एक शर्त लगाता है कि इडा ने भी एक शर्त रखी है, एक हॉर्स रेस रखी है, उस हॉर्स रेस को जिसको कि ये चार्ल्स थ्रेडहिल बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता था, फेवर करता था, और उस हॉर्स का नाम है यहाँ पे ब्लैक बॉय। और जो स्पाइसर ने उसके साथ कॉम्पिटिशन में रेस रखी है उस हॉर्स रेस का नाम यहाँ पे ये रखता है मोमेंटो मोरी।
रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अकेले यहाँ पे पिंकी और यहाँ पे स्पाइसर रेस के लिए जाते हैं, तभी उनको यहाँ पे मिल जाता है केलोइनी और उसके कुछ मेंबर्स मिल जाते हैं। तो ये लोग केलोइनी और पिंकी पे और स्पाइसर पे अटैक करता है, तो यहाँ से पिंकी भाग जाता है और यहाँ पे स्पाइसर बच जाता है। ये वैसे ही पिंकी का यही इंटेंशन था कि स्पाइसर की डेथ हो जाए, क्योंकि स्पाइसर का नेम उस केस में आ सकता था। किस केस में? हेल के मर्डर केस में आ सकता था। ये यही सोचता है कि कैसे भी करके यहाँ पे इसकी डेथ हो जाए स्पाइसर की, और पिंकी यहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब उसको कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि स्पाइसर अभी भी जिंदा है, और ये यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे स्पाइसर को स्टेयर वेल में धक्का दे देता है और यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। अब इसको ये लग रहा है कि अब मेरे पास से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस केस को डिस्क्लोज कर पाए, सिर्फ एक ही चीज है जो कि है रोज। अब वो चाहता है कि रोज को कैसे भी करके कन्विंस किया जाए कि वो मेरी इस बात को बिल्कुल भी डिस्क्लोज ना करे। तो वो जाता है और अपने लॉयर मिस्टर प्रेविट से मिलता है जाके, और उनसे पूछता है कि आप ये बताइए कि क्या मैं और रोज शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टर प्रेविट होते हैं, ये तो इसके ही मॉब के, इसके ही गैंग के लॉयर होते हैं, तो वो इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं कि हाँ तुम शादी कर सकते हो। तो अब इसको यहाँ पे ये लगता है कि चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इससे शादी कर लूंगा। अब ये यहाँ पे क्या करता है, ये जो मिस्टर प्राइवेट होता है, इसके कहता है कि तुम लोग इंगेजमेंट कर लो। इन लोगों के इंगेजमेंट का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। उस सेलिब्रेशन में सभी लोग आए होते हैं, और पिंकी ब्राउन होता है वहां पे, क्यूबिट होता है, डेलो होता है, और वहां पे और भी गेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे पिंकी जो बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग कंडीशन में होता है, बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, वो पिंकी यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता है कि उसने ही स्पाइसर को मारा है। जैसे ही ये बात क्यूबिट सुनता है, तो यहाँ पे ये कहता है कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा और मैं किसको ज्वाइन कर लूंगा, मैं कलोनिकर की पार्टी को मैं ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन जो डायलॉग होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे पिंकी के साथ ही रहूंगा, मैं पिंकी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे ये तैयार रहता है। यहाँ पे इडा होती है, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, तो वो यहाँ पे क्या करती है, क्यूबिट के पास आती है और क्यूबिट से सारी इंफॉर्मेशन ले लेती है कि एग्जैक्टली हेल के साथ क्या हुआ था, क्योंकि क्यूबिट तो अब इससे अलग हो चुका था। क्यूबिट इसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। अब इनका जो रॉयल होता है यहाँ पे मिस्टर प्राइवेट, ये इनको रजिस्ट्रार के पास ले जाता है और यहाँ पे इन दोनों की मैरिज हो जाती है। और शादी होने के बाद अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे होटल्स में भी जाते हैं, लेकिन जो पिंकी का जो मिसबिहेवियर होता है उसकी वजह से भी कोई भी होटल नहीं मिलता है। तो फाइनली ये अपनी वेडिंग नाइट के लिए फ्रेंड के घर पे रुकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे जो कि एक ब्लाइंड मैन होता है, और उसी के घर के पे ही, मतलब ये तीनों लोग साथ में रह रहे होते हैं, फ्रैंक, पिंकी और यहाँ पे डेलो। अब यहाँ पे ये लोग अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। जब सुबह यहाँ पे रोज जागती है, तो वो देखती है यहाँ पे कि यहाँ पे पिंकी नहीं होता है, तो वो उठती है और क्या देखती है कि यहाँ पे जो डेलो है, डेलो यहाँ पे फ्रैंक की वाइफ, यहाँ पे जुडी, या ये कौन है, फ्रेंड की वाइफ है, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तो ये यहाँ से रोज उठती है और उठ के वही स्नोज रेस्टोरेंट पे चली जाती है जहाँ पे वो काम कर रही होती है। वहां पे उसको इड़ा मिलती है जो कि बहुत टाइम से उसका वेट कर रही होती है। अब यहाँ पे इड़ा उससे पूछती है कि तुम बताओ मुझे कुछ भी कि हेल्थ के लिए क्या हुआ था, क्योंकि तुम सबको जानती हो कि पिंकी क्या क्या करने का सोच रहा है और वो क्या क्या कर चुका है। लेकिन यहाँ पे रोज उसको कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि अब तो उसकी मैरिज हो चुकी थी और पिंकी तो उसको प्यार नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे रोज एग्जैक्टली उसको प्यार करने लगी थी, तो वो बिल्कुल भी इन सब चीजों को नहीं बताती। अब यहाँ पे जो
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नहीं बताती है, लेकिन जो डायलॉग होता है वो पिंकी को बताता है कि जो रोज है वो किसी से बात कर रही थी, तो इसको बहुत गुस्सा आता है। ये उससे रोज से पूछता है, तो रोज उसको सारी चीजें क्लियर करती है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर करती है जो कि पिंकी को हो गई थी। वो उसको बताती है कि हाँ इरम मेरे पास आई थी, मुझसे बहुत कुछ पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद रोज इसको बोलती है कि हो सकता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो जाए और हमारा बेबी बॉर्न हो। अब जैसे ही ये बात पिंकी सुनता है तो उसको लगता है कि अब तो ये मेरे ऊपर बर्डन हो जाएगी। अब वो इस चीज को क्या करना चाहता था, वो रोज से एग्जैक्टली छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि उसने मैरिज तो किसी और पर्पज से की थी, शादी करने का पर्पज ये तो था नहीं कि वो उससे प्यार करता है। तो वो यहाँ पे क्या करता है, वो रोज को फुसलाता है, बहलाता है और उसको अपने साथ लेके जाता है, और वहां पे उसको बहला फुसला के उसे डबल सुसाइड करने के लिए उसे बोलता है और अपनी गन रोज को दे देता है कि हम दोनों लोग यहाँ पे सुसाइड कर लेंगे। बट एग्जैक्टली वो एक प्रिटेंशन था। यहाँ पे पिंकी सुसाइड नहीं करता, सिर्फ रोज सुसाइड कर लेती और वो एक नेचुरल कॉज बन जाता जिसमें कि पिंकी का नाम बिल्कुल नहीं आता। लेकिन उसके पहले ही जो ईडा थी, ईडा क्या करती है, वो जाके मिलती है डायलॉग से, और डायलॉग को से मिलती है तो पुलिस इंस्पेक्टर भी साथ में होता है यहाँ पे इडा के। तो वो लोग डायलॉग से पूछते हैं कि जल्दी बताओ कि पिंकी ने रोज को कहाँ छुपा के रखा है, वो लोग कहाँ पे हैं। तो डायलॉग बता देता है इन लोगों को। पुलिस इंस्पेक्टर और इडा वहां पे पहुंच जाते हैं और इसकी गन जो पिंकी ने रोज को दी थी उससे वो गन ले लेते हैं और पिंकी को यहाँ पे बचा लेते हैं। और इडा यहाँ पे पिंकी को सारी चीजें क्लियर करती है कि एग्जैक्टली क्या क्या पिंकी के दिमाग में चल रहा था। और यहाँ पे जो पिंकी होता है वो डर की वजह से क्लिफ से भागने की कोशिश करता है ब्लाइंडली कि वो पुलिस इंस्पेक्टर से बच जाए, लेकिन तभी अचानक वो उस क्लिफ से गिर जाता है और उसकी फाइनली डेथ हो जाती है। और जो रोज होती है वो वापस अपने घर जाती है और एक ग्रामोफोन होता है। जब पिंकी और रोज की शादी हुई थी उसके बाद, शादी के बाद जब ये लोग अपने लिए वेडिंग नाइट स्पेंड करने के लिए होटल्स और भी चीजें सर्च कर रहे थे, तो उस टाइम पे पिंकी ने ग्रामोफोन में एक मैसेज रिकॉर्ड किया था किसके लिए, रोज के लिए। तो वो ग्रामोफोन अभी भी रोज के पास था। जब पिंकी की डेथ हो जाती है नॉवेल के लास्ट में, तो वो जाती है अपने घर और उस ग्रामोफोन से सोचती है कि अब मैं इस मैसेज को सुनूंगी, लेकिन एग्जैक्टली उसको रोज को नहीं पता था कि उस ग्रामोफोन में वो टेरिबल मैसेज था जो शायद रोज नहीं सुन पाती। और यहाँ पे इस तरीके से ये नॉवेल खत्म हो जाती है। अब इसका एक कैरेक्टर बचा सिल्वीन, ये मैंने आपको नहीं बताया। ये जो सिल्वीन थी ये किसकी, स्पाइसर की बिलवेड होती है और इसके साथ भी पिंकी क्या करता है, फ्लर्ट करता है इसके साथ भी, इसके साथ एक नाइट भी स्पेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सिल्वी होती है वो कैथोलिक थीम पे, कैथोलिक रिलीजन पे बहुत ही ज्यादा बिलीव करती है। तो जब उसको ये पता चलता है कि पिंकी जो है वो मैरिड है और तो इस चीज के लिए मना कर देती है और वहां से भाग जाती है। जब पिंकी रोज से शादी कर रहा था तो भी उसको एक बार इसका ख्याल दिमाग में आता है, लेकिन फिर वो उस चीज को छोड़ देता है, क्योंकि अगर कोई इस चीज को सोचता तो शायद वो रोज से शादी नहीं कर पाता और रोज से शादी करने का इंटेंशन उसका कुछ और ही था। तो आई एम श्योर कि अब आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। जैसे अगर क्वेश्चन मैं ये पूछूं आपसे कि ये बताइए कि जो चार्ल्स फ्रेड हेल था वो क्या था, वो जर्नलिस्ट था, वो किस न्यूज़पेपर में काम करता था, डेली मैसेंजर में काम करता है, यहाँ पे हेट की और जो मर्डर होता है वो कौन करता है, वो पिंकी करता है, पिंकी से पहले उससे जो गैंग का लीडर था वो कौन था, गाइड था, इसके ग्रुप में कितने मेंबर थे, इसके ग्रुप में चार मेंबर थे, एक क्यूबिट होता है, एक डायलो होता है, एक स्पाइसर होता है और एक कोई पिंकी होता है, इसके लॉयर का क्या नाम था, इसके लॉयर का नाम मिस्टर प्राइवेट था,
हेल के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? तो इडा अर्नर्ड कर रही है यहाँ पे। रोज को फाइनली सुसाइड करने से कौन बचाता है? इडा बचाती है। अब यहाँ पे जो इसका राइवल होता है, वो राइवल कौन होता है? वो क्लेमिंग होता है। जो पिंकी होता है वो किसके फेस पे सिलास बना देता है? तो वो ग्रीवर के फेस में सिलास बना देता है। क्या रीजन होता है सिलास बनाने का? क्योंकि उसने बहुत टाइम से प्रोटेक्टिंग मनी पेड नहीं की थी। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आई एम श्योर आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं आपसे जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक आप इस नॉवेल को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।